नमस्कार दोस्तों, इन इसमें आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ मूली फिश के बारे में। दोस्तों ये जो मूली फिश आपको दिख रही है ये पैकेट के अंदर, ये बेलून मूली है। ये मैंने परचेस किया है एक सामने का पेट शॉप से और ये मेरा करीब 20 रुपीज़ का पेयर लगा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं। और ये मूली फिश में देखिए दोस्तों क्या है, इसमें कुछ मूली फिश है जिसका फेदर, ऊपर का जो फेदर है वो बड़ा है। तो उसके मतलब ये मेल है जिसका फेदर ऊपर का बड़ा है और जिसका छोटा है वो फीमेल है। ठीक है, तो हम इसे टैंक में कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे ये बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हमें क्या करना है, इस टैंक के पानी में ये मूली फिश को पैकेट के साथ कुछ देर तक रखना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये मेरा जो टैंक है इसका जो टेम्परेचर है उसके साथ इसका जो मतलब पैकेट के अंदर जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है वो मिल जाएगा, मतलब उसका एडजस्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे दोस्तों तो ये ठंडे पानी से आई है और डायरेक्ट इसको अगर एक्वेरियम का पानी में हम डाल दिए तो उसका टेम्परेचर डिफरेंस होगा और बहुत ज़्यादा मतलब उससे प्रॉब्लम हो सकता है, वो इजीली मेंटेन नहीं कर पाएगी। इसलिए कुछ देर डालने के बाद मैं कैप खोल देता हूँ। तो मैंने इसे पहले से कुछ देर तक डाल के रखा हुआ था करीब 15 मिनट तक। और इसे खोलने के बाद ये पानी को दोस्तों आप डायरेक्ट मत डालिए तो ही बेटर है। ठीक है, क्योंकि इस पानी में कुछ पेस्टिसाइड हो सकते हैं जो दूसरे मछली को प्रॉब्लम करेंगे। इसके लिए दोस्तों सिर्फ आप मछली को ही डालिए तो अच्छा रहेगा। और तो उसके लिए हम क्या करते हैं देखिए आप, देख सकते हैं दोस्तों ये मूली फिश बहुत ही सुंदर लगती है, बेलून मूली है। और मेरे यहाँ पे एक मेल है और बाकी के तीन फीमेल हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये पानी को मुझे अलग कर लेना है क्योंकि मुझे पानी नहीं डालना है। तो मैंने इसमें डाल दिया और इसे मैं अपने टैंक में डाल देता हूँ। चारों की चारी चली गई ना। अब देखिए दोस्तों ये मूली फिश चारों टैंक में है बहुत ही अच्छी से। थैंक यू सो मच। बोलो कौन ग्रेट ग्रेट।